गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश। आई रीड यू लेसन फॉर लीव एप्लीकेशन, जिसका तात्पर्य है लीव माने छुट्टी, एप्लीकेशन माने पत्र, प्रार्थना पत्र, छुट्टी का प्रार्थना पत्र। अब हम पढ़ेंगे, वी राइट लेटर्स एप्लीकेशंस टू गिव इन्फॉर्मेशन, देयर आर इनफॉर्मल लेटर्स विच वी राइट टू आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, देयर आर फॉर्मल लेटर्स विच वी राइट टू आवर टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड ऑफिसर्स, There is a formal letter given below in the form of an application. Read the application carefully. We write letters. We माने हम, write माने लिखते हैं, letters माने पत्रों को, application माने प्रार्थना पत्रों को, to give देने के लिए, information सूचना। हम सूचना देने के लिए प्रार्थना पत्रों और पत्रों को लिखते हैं। देयर आर इनफॉर्मल लेटर्स, देयर आर इनफॉर्मल लेटर्स विच वी राइट टू आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। देयर आर इनफॉर्मल अनौपचारिक लेटर्स, पत्र, अनौपचारिक पत्र, विच जिनको वी राइट हम लिखते हैं टू अवर अपने रिलेटिव संबंधियों एंड फ्रेंड्स और मित्रों को, यानी अनौपचारिक पत्रों को, हम अनौपचारिक पत्रों जिनको हम लिखते हैं अपने संबंधियों और मित्रों के लिए। There are formal letters which we write to our teachers, principals and officers. औपचारिक पत्रों को, formal माने औपचारिक, इन letters माने पत्रों, पत्र, which जिनको we write to our teachers, हम लिखते हैं our teachers, अपने अध्यापकों को, प्रिंसिपल्स, प्रधानाचार्य जी को, एंड ऑफिसर्स, ऑफिसर कहते कहते हैं अधिकारियों को, और अधिकारियों को, औपचारिक पत्रों को, औपचारिक पत्र जिनको हम अपने अध्यापकों, प्रधानाचार्यों और अधिकारियों को लिखते हैं। देयर इज ए फॉर्मल लेटर, एक औपचारिक पत्र, गिवन बिलो नीचे दिया हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन अर्थात एक प्रार्थना पत्र के रूप में। रीड द एप्लीकेशन केयरफुली, रीड माने पढ़ना, एप्लीकेशन माने प्रार्थना पत्र, केयरफुली माने ध्यान से, प्रार्थना पत्र को ध्यान से पढ़ो। अब क्या है, टू द प्रिंसिपल कृष्णा बाल विद्या मंदिर मंगूपुरा मुरादाबाद, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर लीव, डियर सर आई बेग टू से दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। इसमें दिया है कि एक प्रार्थना पत्र लिखा गया है और उसमें प्रार्थना पत्र में रिक्वेस्ट की गई है, तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए, टू सेवा में द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी कृष्णा बाल विद्या मंदिर मंगूपुरा मुरादाबाद, सब्जेक्ट माने होता है विषय, रिक्वेस्ट फॉर लीव,
छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट की गई है, प्रार्थना की गई है। डियर सर, प्रिय श्रीमान जी, आई बेग टू से दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं घर पर ठीक प्रकार से नहीं हूँ। सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, इसीलिए मैं अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, काइंडली माने कृपया, ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। थैंकिंग धन्यवाद, आपका धन्यवाद, योर फेथफुली, आपका वफादार, बच्चे का नाम क्लास थर्ड। वर्ड मीनिंग्स शब्दार्थ, तो कठिन शब्द हैं, वह कठिन हार्ड वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको मैंने लिख दिया है। अब मैं उनको बता रहा हूँ। आई एन एफ ओ आर एम ए टी आई ओ एन, इन्फॉर्मेशन कहते हैं सूचना। आई एन एफ ओ आर एम ए एल, इन्फॉर्मल माने होता है अनौपचारिक। एफ ओ आर एम ए एल, फॉर्मल होते हैं औपचारिक। रेस्पेक्ट, आर ई एस पी ई सी टी, रेस्पेक्ट माने होता है आदर। ए डबल टी ई एन डी, अटेंड माने होता है उपस्थित होना। काइंडली के आई एन डी एल वाई, काइंडली माने होता है कृपया। लीव एल ई ए वी ई, लीव माने अवकाश। ये आपको पाठ पढ़ा दिया गया है, इसके कठिन शब्दों को भी बता दिया गया है। बाकी एक्सरसाइज पाठ से संबंधित आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा।